जैसे कि आप लोगों को पता है, कंपनी की तरफ से न्यू साइनअप प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया गया है, जहां पे लेफ्ट राइट के ऑप्शन को हटा दिया गया है। अब एक डिस्ट्रीब्यूटर चाहे तो अपने हिसाब से अपनी टीम क्रिएट कर सकता है। इसका मतलब है वो दो से ज़्यादा टीम्स को क्रिएट कर सकता है। इस वीडियो में हम उसी साइनअप प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी देंगे। साइनअप प्रोसेस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है स्पॉन्सर आईडी। जब एक एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर किसी नए डिस्ट्रीब्यूटर को इंट्रोड्यूस करते हैं, तब यहाँ पे एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर अपना स्पॉन्सर आईडी देते हैं। स्पॉन्सर आईडी देते ही स्पॉन्सर नेम ऑटोमेटिकली शो होता है। अगर स्पॉन्सर आईडी और प्लेसमेंट आईडी सेम है तो आपको प्लेसमेंट अंडर वाले जगह को फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली स्पॉन्सर आईडी ही प्लेसमेंट आईडी में शो करेगा। लेकिन अगर स्पॉन्सर आईडी और प्लेसमेंट आईडी दो अलग अलग पर्संस है तो प्लेसमेंट आईडी अलग से पुट करना पड़ेगा। प्लेसमेंट आईडी जो होगा, न्यू आईडी उसी प्लेसमेंट आईडी के नीचे एक टीम के हिसाब से क्रिएट होगी। जैसे ही आप प्लेसमेंट आईडी देते हैं और कंटिन्यू करते हैं, आपके सामने ये फॉर्म आएगा जहां आपको सारी डिटेल्स को फिलअप करना है। सबसे पहले टाइटल को फिलअप करें, फर्स्ट नेम डालें, लास्ट नेम डालें, डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर पुट करें। एड्रेस फिलअप करें। सिटी फिलअप करें। डिस्ट्रिक्ट फिलअप करें। स्टेट सिलेक्ट करें। पिन कोड डालें। मोबाइल नंबर पुट करें।